बार किसकी सरकार? मोदी का। मोदी जी? हाँ। मोदी जी इस बार आएंगे आजमगढ़ में? आएंगे। विकास का मुद्दा है और उसमें विकास के मुद्दे पे बीजेपी सबसे आगे चल रही है। अच्छा, विकास और इस बार भी भाजपा की सरकार पहले से ज्यादा सीट लेकर आएगी जो है। विकास और लोगों को सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी पे विश्वास हो गया है जो है कि बीजेपी जो भी काम करेगी इसमें जो है पूरे जो है पूरी जनता की सुरक्षा जो है ईवीएम पे कोई सवाल नहीं। ईवीएम भी ईमानदारी से चुनाव आयोग काम कर रहा है और आगे भी काम करेगा। हर जनता चाह रही है कि बीजेपी का सरकार बने और इस भारत का जो है डेवलपमेंट हो, विकास हो। जो है विकास का मुद्दा है, न कि रोजगार का। ये हुआ कि वहाँ मैनपुर इटावा से लड़ रहे हैं, गाजीपुर से आके लड़ रहे हैं। अब यहाँ का जो लोकल होगा, जो लोकल होगा जनता उसकी तरफ झुकाव करेगी। आज के दिन में बताइए, अगर किसी को सांसद की जरूरत है या तो गाजीपुर जाएगा या तो मैनपुर इटावा जाएगा। नहीं नहीं, इनका जो काम है गाना बजाना, गाना बजाना अपना जारी रखें, इनको काम से और उससे कोई मतलब विशेष नहीं। हाँ, बस वही कहते हैं कि हम आएंगे तो खेते में फिल्म बनाई। अच्छा। जोगी बाबा का आदमी है, जोगी बाबा का आदमी है, तो आप बीजेपी को समर्थन करते हैं? हाँ, करेंगे। तो उनके ही पक्ष में रहेंगे फिर? हाँ। आजमगढ़ में है और ये आजमगढ़ बस स्टैंड है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जनता है और सामने लोकसभा का चुनाव है। अगते यहाँ से तमाम जनता है, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर लोकसभा का चुनाव सामने है और किसे मतदान करेंगे, किसे वोट करेंगे और वो किस मुद्दे पर करेंगे, ये बताइए। क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ आपका? अनिल। ये बताइए, मोदी की सरकार से कितना सहमत हैं? संतुष्ट हैं? हाँ। सरकार अच्छी खासी चल रही है? ठीक चल रही है। तो एक तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव, तो किसको चुनेंगे आप लोग, किसको चुनेंगे, किसको मतदान देंगे? अरे निरहुआ चुनेंगे। निरहुआ को? निरहू अच्छा काम किए हैं आजमगढ़ के लिए, कुछ विकास किए हैं, कुछ काम किए हैं जिसे जनता खुश हो, किस मुद्दे पर वोट होगी? दिनेश लाल पर होगी। ये बताइए, आप ये चना मूंगफली ये बेचते हैं और यही रोजगार है आप लोगों का? हाँ, यही रोजगार है। यही रोजगार है? ये रोजगार आप लोगों ने खुद तय किया है, खड़ा किया है या किसी के तरफ से मिला है? नहीं, अपने खड़ा किए हैं, खुद अपने दम पर खड़ा किए हैं, अपने दम पर खड़ा। अगर आज आपको कोई रोजगार या कोई नौकरी मिल जाती तो ये करना पड़ता आपको? नहीं करना पड़ता। नहीं करना पड़ता? नहीं करना। फिर किस मुद्दे पर कह रहे हैं कि निरहुआ जी ने काम किया है? नहीं, काम नहीं किया। काम नहीं किया है? नहीं। तो काम नहीं किए हैं फिर भी वोट देंगे आप? वोट देंगे? वोटबा तो हम लोग देवे करेंगे भाई, भाजपा वाले लोग थोड़ा देवे करेंगे, भाजपा को वोट देंगे। काम करें या ना करें, काम करें या ना करें? काम तो हुआ है भैया, काम हुआ है, ये रोजगार मिला है आपको। चलिए, ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार गुप्ता, जिला गोरखपुर। गोरखपुर से है उमेश कुमार जी। बताइए, बीजेपी की सरकार से कितना संतुष्ट है? संतुष्ट है। संतुष्ट है? इस बार किसकी सरकार? मोदी का। मोदी जी? हाँ। मोदी जी इस बार आएंगे आजमगढ़ में? आएंगे। पर अखिलेश यादव जी के भाई धर्मेंद्र यादव जी दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार मोदी आएंगे। मोदी? मोदी। पर यहाँ आजमगढ़ की जनता से अगर बातचीत किया जाए, कहीं ना कहीं अगर ग्रामीणों से बात किया जाए तो ग्रामीण लगातार मोदी का विरोध कर रहे हैं। करने दीजिए। पर आएंगे मोदी? मोदी आएंगे। हाँ हाँ। तो इससे संतुष्ट हैं आप लोग? ये कितने दिन भर में कितना बेचते हैं, कमा लेते हैं? 100 रुपए के बेचते हैं, अपना पेट भरने मिन्नत का पसीना खा लेते हैं। हाँ, और वोट मोदी को? मोदी को। हाँ हाँ, मोदी को वोट देंगे। हाँ, मोदी। चलिए, ये भैया आजमगढ़ की जनता है और ये आजमगढ़ बस स्टैंड है। लगातार ये लोग कहीं ना कहीं मोदी के सपोर्ट में हैं। इस बार मोदी की सरकार, अब देखना ये होगा कि फिर मोदी की सरकार या किसी और की सरकार। ये बताइए, आजमगढ़ में लोकसभा का चुनाव, यानी आजमगढ़ ही नहीं पूरे देश में लोकसभा का चुनाव है, क्या कहेंगे फिर? ये देखिए, भाग गए भैया। ये बताइए, कितना संतुष्ट हैं इस सरकार से? बहुत संतुष्ट। संतुष्ट हैं? बहुत। मोदी की सरकार? बहुत। निरहुआ जी आएंगे फिर से? आ जाएंगे भाई। आ जाएंगे? आ जाएंगे। हम तो यही बीजेपी वाले हैं। हाँ, क्या कहें, क्या कह रहे हैं सर? हम कह रहे हैं कि ये जो है विकास का मुद्दा है और उसमें विकास के मुद्दे पे बीजेपी सबसे आगे चल रही है। अच्छा, विकास के मुद्दे पर आगे है? और ये आजमगढ़ की ही बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। पूरे भारत की बात? हाँ, जो भी किसान सम्मान निधि है, जो भी राशन कार्ड है, कोई जाति धर्म विशेष करके नहीं भाजपा दे रही है, सबके खाते में पैसा आ रहा है, सब लोग खुश हैं। और रोजगार, सरकारी नौकरी कोई भी सरकार किसी को सबको नहीं दे सकती है जो है, अपना मेहनत लोग करें, अपने खुद कमाए खाए जो है। और जो जो वैकेंसी निकाली भी थी, अब भाजपा को ये लगा कि नहीं, इसमें पारदर्शिता नहीं है। हाँ। जो इसमें जो है वो पेपर आउट हुए उसको रोक दिया है, पुनः निकालेगी। भाजपा ईमानदारी से जो है लोगों को नौकरी देना चाह रही है जो है,
ये नहीं कि जो है मेरिट पे निकाल दीजिए, अपना जो है फर्जी जो है मार्कशीट लगा के नौकरी पाइए, सब नहीं। जो है मेहनत करिए, नौकरी लीजिए और नहीं प्राइवेट काम करके अपना जीए जो है। और हमारा विकास का मुद्दा है, विकास में बीजेपी सबसे आगे है और इस बार भी भाजपा की सरकार पहले से ज्यादा सीट लेकर आएगी जो है। पहले से ज्यादा सीट लेकर जी, जी जी लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी दावा कर रहे हैं कि इस बार यहाँ पे हमारी सरकार यानी धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से जीत हासिल करेंगे। नहीं, पूरे भारत में बीजेपी आ रही है, यहाँ से भी बीजेपी जीतेगी जो है। बीजेपी जीतेगी 100% जो है। ये मुद्दा क्या होगा फिर इस बार? मुद्दा यही विकास का होगा जो है। विकास लोगों को सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी पे विश्वास हो गया है जो है कि बीजेपी जो भी काम करेगी इसमें जो है पूरे जो है पूरी जनता की सुरक्षा जो है वो बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोग सोचते हैं कि हमारा प्रशासन मदद कर रहा है जो है। और लोगों के सरकार में थोड़ा जनता को विश्वास नहीं है। जनता ये कह रही है कि हमें 5 किलो राशन की जगह अगर हमें कुछ नौकरी या कोई सुविधाएं दे दिए जाए तो उससे हम लोग कमा खा लेंगे और हमें राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कह रहे हैं कि नौकरी, ये बताइए आप जो है अब जो 40-50 साल के ऊपर हो गए उनको तो सरकार नौकरी नहीं दे सकती है। और अब विदेश में भी चले जाइए आप जो है, पंजाब है चाहे जो भी बाहर जो विदेश हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस के लिए कोई मोहताज नहीं होता है। सब लोग अपना मेहनत करते हैं, इसीलिए विदेश सब डेवलप हो रहा है, विदेश आगे बढ़ रहा है। तो भारत में क्यों हम सरकारी नौकरी को लेकर पड़े हुए हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी तो हम जिंदा रहेंगे? जितने प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं वही सबसे ज़्यादा अमीर हैं। सरकारी नौकरी करके कोई अमीर नहीं होता है जो है। और सरकारी नौकरी से लोग ये सोचते हैं कि उसमें जो है अपना एक तरह से आलिसपन हो जा रहा है कि हाँ चलो यार नौकरी कर रहे हैं सरकारी, हमको वेतन मिलेगा। हम अपने अपने कर्म पे विश्वास करें ना। ये बताइए EVM को लेकर क्या कहेंगे? EVM देखिए, अब जैसे घोसी विधानसभा का चुनाव था जो है वहाँ पे EVM में कोई गड़बड़ी नहीं थी, वहाँ पे सपा ने जीत किया, माननीय सुधाकर सिंह जो है वहाँ के विधायक हुए। तो अगर EVM गड़बड़ होता तो वहाँ पे बीजेपी नहीं जीत जाती जो है। EVM पे कोई सवाल नहीं, EVM भी ईमानदारी से चुनाव आयोग काम कर रहा है और आगे भी काम करेगा जो है। लोग कह रहे हैं कि EVM एक दिखावा है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव कर दिया जाए तो बीजेपी एक सीट भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि EVM की बात छोड़िए, अब जितने काम हो रहे हैं सब कंप्यूटर से हो रहे हैं, आधुनिक युग से काम हो रहे हैं। अब पहले के ज़माने से अब हम अगर हाथ से काम कराने लगेंगे जो है, जितने रोड का निर्माण हो रहा है अगर GCB वहाँ पे काम न करे, मजदूरों से काम कराइए तो कई साल लग जाएंगे काम करने में जो है। EVM आधुनिक वो चीज़ें हैं कि तुरंत निर्णय दे रही है और उसमें तरह तरह के जो है ईमानदार लोगों को ही रखा जाता है जो है, वैसे जिस पे शंका है उनको हटा दिया जाता है जो है। EVM कोई मुद्दा नहीं है, जनता का है, जनता जिसको समर्थन कर रही है उसकी सरकार बन रही है जो है। और केंद्र में तो बीजेपी 100% इसलिए आ रही है कि कांग्रेस को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं जो है। जिस देश ने EVM को बनाया वहाँ पे आखिर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, EVM से क्यों नहीं होता है भाई? EVM हम लोगों का वो पूरी जनता का वो विश्वास है ना EVM पे जो है, सरकार का थोड़े ना है जो है। इसके पहले भी जो है कांग्रेस का जो जितने चुनाव हुए हैं EVM पे हुए हैं, अब भाजपा को जनता का समर्थन मिल रहा है तो लोगों को ये लग रहा है कि नहीं EVM में गड़बड़ी हो रही है जो है। अभी जनता जिसको सपोर्ट कर रही है उसकी सरकार बन रही है और आने वाले दिन में जो है जो इस समय का जो केंद्र का जो चुनाव है, हर जनता चाह रही है कि बीजेपी का सरकार बने और इस भारत का जो है डेवलपमेंट हो, विकास हो जो है। विकास का मुद्दा है ना कि रोजगार का है जो है। तो यहाँ से दिनेश लाल यादव जी निरहुआ विजयी, यानी हर जगह से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? हाँ, हर जगह से लगभग भारतीय जनता की सरकार बनेगी जो है। और यहाँ की जनता जो है, जो भी जो जनता है वो समझ रही है कि अगर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तो हम लोगों को सुरक्षा नहीं मिल सकता है जो है। सुरक्षा की बात है, रोजगार के बात के अलावा सुरक्षा की बात है। लोगों को अंदर से डर बैठा हुआ है। लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी सरकार जो वादा करती है उस पर खड़ा नहीं उतरती है। नहीं, बीजेपी देखिए, हम कह रहे हैं कि कोई भी सरकार 100% वादा नहीं पूरा कर सकती है जो है। 100% कोई भी सरकार वादा नहीं पूरा कर सकती है, लेकिन बीजेपी जो भी है जितना कह रही है उतना करने का प्रयास कर रही है। कोई भगवान तो है नहीं, वो भी लोग तो इंसाने हैं, लेकिन जितना कर रहे हैं लगभग 99% वो वादा पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। चलिए आइए और जनता है यहाँ, थोड़ा उनसे भी बातचीत करते हैं। ये बताइए क्या नाम हुआ? रविकांत। ये बताइए, आजमगढ़ लोकसभा का चुनाव कहीं ना कहीं काफ़ी गर्म सर्दियों में चल रहा है, काफ़ी गर्माया हुआ है, लोग लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं जी। तो किस नज़रिए से देखते हैं फिर लोकसभा का चुनाव? जो है बेरोजगारी और महंगाई पे होगा। इस समय बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है। बेरोजगारी महंगाई जब तक सही नहीं हो जाती है चुनाव को कुछ किसी नज़रिए से देखा नहीं जा सकता है। और रही बात पार्टी की, तो बीजेपी जो है
प्रशासन स्तर पे अच्छा काम कर रही है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई पे फेल है। बेरोजगारी और महंगाई अगर ये अपना दुरुस्त कर ले तो इससे बढ़िया शासन कर लेंगे। अच्छा जी, बेरोजगारी और महंगाई, शिक्षा, भ्रष्टाचारी, ये तमाम चीज़ों में तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लिप्त है। नहीं, ऐसा नहीं, बेरोजगारी हम भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी आज भी चरम सीमा पे है जी, और महंगाई भी चरम सीमा पे है। कांग्रेस सरकार ने जो 40 रुपया पेट्रोल छोड़ा था, आज बीजेपी ने 100 रुपया ला के छोड़ दिया 7 साल में, जो उन्होंने 50 साल में नहीं किया था उन्होंने 7 साल में कर दिया। 7 साल में, जैसे 50 साल में उन्होंने पेट्रोल जो है कि 40-45 से 50 रुपया पे ला के दिया था भारत सरकार को, आज भारत सरकार उसी पेट्रोल को 7 साल में 100 रुपया में बेच रही है। डीजल जो 35-40 रुपया था, आज जो है कि 88-89-90 में बिक रहा है। ऐसा नहीं है, एक तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ जी सांसद जी, 2022 में धर्मेंद्र यादव के सामने चुनाव लड़े थे, जो कि धर्मेंद्र यादव हार गए थे और दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत हासिल किया था। फिर से एक बार मुकाबला हुआ है निरहुआ और धर्मेंद्र यादव जी का जी, तो कौन विजयी होगा? देखिए, विजयी तो जनता के मूड की बात है, और हमारे यहाँ समाजवादी हमेशा सीट रही है, बीजेपी पहली बार यहाँ कमल खिला है, वो भी दोनों लोग बाहरी हैं। जनता अभी जो है कि निष्कर्ष नहीं निकाल पा रही है कि वो आके वहाँ मैनपुर इटावा से लड़ रहे हैं, ये गाजीपुर से आके लड़ रहे हैं। अब यहाँ का जो लोकल होगा जनता उसकी तरफ झुकाव करेगी। आज के दिन में बताइए, अगर किसी को सांसद की ज़रूरत है, या तो गाजीपुर जाएगा या तो मैनपुर इटावा जाएगा, ऐसा सांसद की आजमगढ़ में कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं है, हाँ भैया देख लीजिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि दूर से आने वाले जो भी सांसद हैं उनकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ना दिनेश लाल यादव की ना धर्मेंद्र यादव जी की। सही कह रहे हैं जी, हाँ, यहाँ का जो लोकल होगा वही जीत हासिल करेगा, पर लोकल तो यहाँ कोई उतरा ही नहीं। ऐसा नहीं, अभी नामांकन तो होने दीजिए, अभी बाकी है, अभी नामांकन के दिन जो है टिकट वापस हो जाते हैं। ऐसा आपने देखा, पत्रकारिता आप कर रहे हैं तो ऐसा तो आपको जानकारी है। अभी नामांकन होने दीजिए, नामांकन के बाद तो बताया जाएगा क्या स्थिति बन रही जनता की। चलिए, फिलहाल और यहाँ पे और लोग हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। फिलहाल ये देख सकते हैं यहाँ की जनता लगातार कहीं ना कहीं विरोध पे विरोध जता रही है, विरोध कर रही है कि इस बार जो है कि मोदी की सरकार नहीं, किसी और की सरकार पर है। इस बार किसकी सरकार? दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और धर्मेंद्र यादव। इस वक्त अखिलेश सरकार रहेगी, अखिलेश सरकार जी। लोग कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे जो है कि निरहुआ जी जीतेंगे, वो कहने दीजिए, ये सपा का गढ़ है, हमेशा रहेगा जी, सपा का गढ़ है और सपा रहेगी हमेशा जी। अखिलेश यादव रहेंगे जी, अखिलेश यादव हमेशा रहेंगे। किस मुद्दे पर वोट देंगे फिर? विकास के, उनके राज में विकास हुआ था, इसमें इनके राज में कुछ विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ, कोई नहीं, बेरोजगारी ज्यादा हो गई। देखिए रोड पे कमाई कुछ नहीं, ऑटो इतने ज्यादा है, नौकरी किसी को कुछ नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही, नहीं नहीं, मतलब आप एकदम लोग परेशान हैं, इस सरकार से जूझ रहे हैं जी जी। तो इस बार जो है कि विकास के मुद्दे पर वोट दिया जाएगा जी जी, और सपा को वोट करेंगे जी जी। हम हमेशा सपा को करते हैं, हमेशा करेंगे। तो सपा ने यहाँ क्या काम किया है? क्यों, उनके राज में बहुत काम हुआ है, क्या नहीं हुआ? विकास हुआ उनके राज में, इनके राज में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब इलेक्शन आता है तब ये आते हैं, विकास की बात करते हैं। हाँ, इलेक्शन 5 साल सरकार में था तो कोई एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। अब इलेक्शन करीब आ गया तो हर चीज अब लागू कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, मंदिरी एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, उससे पहले कुछ नहीं। उद्घाटन तो इसके पहले कई कई बार हो चुका है, फीता कई बार कट चुका है, पर अभी तक कार्य नहीं चालू हुआ है, जितना बना था उतना ही अभी स्थगित है जी। तब इलेक्शन करीब आता तभी ये आते हैं, इससे पहले भी इलेक्शन करीब था तभी। मोदी जी आए थे आजमगढ़ के लिए, एक सौगात लेकर आए थे आप लोगों के। 5 साल के अंदर क्या किए थे? एक बार नहीं आए थे। हाँ, जब इलेक्शन आया तब मोदी जी आए, आके क्या किए? 5 साल तो सरकार थी हुई, क्यों नहीं 5 साल में एक बार झांकने आए? क्या कहेंगे फिर? मोदी जी आए थे आप लोगों के यहाँ, सौगात लेकर आए थे। अरे हम आजम, हमारा गाजीपुर घर है ना। क्या हुआ, गाजीपुर के हैं तो और बढ़िया हुआ। दिनेश लाल यादव आप ही के क्षेत्र से हैं और यहाँ के सांसद हैं, फिर क्या कहिएगा, कैसे व्यक्ति? ठीक है, काम हम बहुत हो रहा है, काम हो रहा है। जनता खुश नहीं है? जनता खुश है, कह रही है कि नहीं इस बार जो है धर्मेंद्र यादव की सरकार। नहीं, इस बार भी दिनेश लाल। चलिए आइए, और लोग हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं। ये बताइए, इधर आइए। लोकसभा का चुनाव सामने है, लोग जो है जोर शोर से चर्चा कर रहे हैं आजमगढ़ को लेकर, कहीं ना कहीं सुर्खियों में चल रहा है। क्या कहेंगे इस बार किसकी जीत? एक तरफ दिनेश लाल यादव जी निरहुआ और दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव जी, तो अच्छा नेता कौन है, कौन विकास किया है, किस मुद्दे पर वोट होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अच्छा विकास किया, सुहेल देव डिग्री कॉलेज का उन्होंने शिलान्यास किया है, और शिलान्यास करने के बाद
उन्हीं का किया हुआ काम का जो समाजवादी लोगों का काम है वही नाम बदल बदल के क्या नाम बीजेपी वाले जैसे 108 था 112 था इन्होंने अपना नाम बदल बदल के काम कर रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, कोई विकास नहीं। ये लोग सिर्फ कहते हैं, करते हैं नहीं है। मोदी जी कहते 15-15 लाख रुपया सभी लोगों के खाते में देंगे और आज के डेट में 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन से किसी एक ऐसे सामान्य आदमी का जीवन नहीं यापन होगा। हाँ, तो कह रहे हैं सामान्य ये बंद कर दें और उसके बदले में घर में नौकरी दें सबको, एक एक विकास हो जाएगा। ये तो संभव नहीं है कि सभी को नौकरी मिल जाए। अगर सभी को नौकरी मिल जाएगा तो लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार इस चरण पर रहेंगे कि सब लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे, सब लोग संतुष्ट रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का कोई कार्य नहीं हो सकता है। फिर भी तो कुछ होना चाहिए। जो भी लोग भर्ती निकाल रहे हैं, भर्ती पेपर हो रहा, पेपर होने के कुछ समय बाद ही पेपर आउट हो जा रहा, 3 बार कैसे कोई विश्वास करे कि क्या नाम के विकास कर रहे हैं। युवा भी युवा इन पर वोट देना चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। तो सपा ने काम किया है, सपा ने काम किया और है। दिनेश लाल यादव जी निरहुआ जी, इनका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्या ये गाने बजाने में ही अच्छे लगते हैं या सांसदी में अच्छे लगते हैं? नहीं नहीं, इनका जो काम है गाना बजाना, गाना बजाना अपना जारी रखें, इनको काम से और उससे कोई मतलब विशेष नहीं। अच्छा। है बस वही कहते हैं कि हम आएंगे तो खेते में फिल्म बनाई। अच्छा। ये सही मंच के माध्यम से करते हैं कि अरे भैया हम तुम्हारे लड़कों लोगों के साथ ही लेके क्या नाम है खेत में फिल्म बनाए। तो दिनेश लाल जी कहते हैं कि अगर आजमगढ़ का कोई विकास करेगा तो सिर्फ निरहुआ करेगा। नहीं, ये उनकी गलत फहमी है और भूल है। उनके बस का कोई विकास करने का वो नहीं है और ना ही वो विकास के बारे में कोई जानकारी उनको है। बस मैं इतना करना चाहता हूँ जी। ये बताइए ड्राइवर साहब क्या कहेंगे फिर आपका? आप भी ड्राइवर ही करते हैं, क्या कहेंगे? सरकार के आदमी ला हमन कुछ ना कहे तो हम तो इलेक्शन ड्यूटी में चल जाली, रहो न कल जाला। अच्छा। हमन देश में जोगी बाबा का आदमी है। जोगी बाबा का आदमी है तो आप बीजेपी को समर्थन करते हैं? हाँ करेंगे। तो उनके ही पक्ष में रहेंगे फिर? जनता के लिए कुछ कहिएगा फिर कुछ विकास के मुद्दे पर? बात ना जानी तुम ये देख सकते हैं ये हटा रहे हैं, ये सरकार की कहीं ना कहीं जो भी सिस्टम है उन सिस्टम को उजागर नहीं करना चाहते हैं। ये यहाँ पे और लोग हैं, रिक्शे वाले भाई हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं। रिक्शा चलाते हैं कहीं ना कहीं, इससे रिक्शा चलाकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। ये बताइए क्या नाम हुआ हमारा? हाँ तिवारी राजभर। तिवारी राजभर। हाँ। नाम में थोड़ा सा चेंज है आपके? दोनों टाइटल है। अच्छा दोनों टाइटल है। हाँ। ये बताइए लोकसभा का चुनाव सामने है। हाँ। रिक्शा चलाते हैं, किसको वोट करेंगे? भैया जब रिक्शा चलाई तब हमें 2 रोटी मिली जी। अब बिना रिक्शा चलाउले केहू पूछे भर के ना हो कि तुहरे घर द्वार हो कि ना है, जाके देखबा तो एक मड़ई में रहला दिन भर, चुहे ले मड़ई वही में अपन गुजारा करत थी। अरे मोदी जी ने सब पक्का मकान दिया है, आवास दिया है, संडास दिया है। पहले हम मोदी जी इहो तो निरक्षर कहीं कहले हम कि जो ना क्योंकि घर द्वार रहते हुए ओके मिलल जेखरे ना हो के मिलते न। हाँ जाके देखा। ये बताइए फिर निरहुआ जी ने कुछ काम किया है आप लोगों के लिए? भैया काम जेकरे लिए कहले हुए केहू रहे, जब हम कह दानी कि हम रिक्शा चलाए तब हमें 2 रोटी मिली। हाँ। बिना रिक्शा चलावले मिले वाला ना। हाँ। तो ओकरे आगे कौन बात ये अच्छा के ओटिया दे दो ओटिया। अब समय के बाद समय आई, जब आ जाए मौका जेके मर्जी हुई ओके दे देब। आ एक पहले क्या हो काहे कि नाराज करबा कि फलाने के देब ढेकाने के देब। हाँ राजभर है। अरे कौन जरूरी है पियरका गमछा खरीद के दे दा, पियरका बांध ले मन कहा करे। चलिए चाचा देख सकते हैं रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं और कहते हैं कि अगर हम रिक्शा नहीं चलाएंगे तो कोई सरकार हमारा पेट भरने वाली नहीं है। क्या कहेंगे सर आप? लोकसभा का चुनाव सामने है, फिर मतदान किस मुद्दे पर होगा? फिर जिस मुद्दे पे हो जनता अपने अपने हिसाब से अपना काम करती है, इस मामले में हम क्या कहेंगे किसी का, किसी जनता, के बारे में जनता जनता सर्वप्रथम अगर जनता चाहेगी तो जिसको चाहेगी उसको उठा देगी, जिसको चाहेगी उसको विजयी बना देगी। इलेक्शन के दौरान जिसका जो होगा उसको दिया जाएगा, उसमें अभी क्या कमेंट किया जाए जी? उसमें कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। कमेंट की बात नहीं है, इस सरकार की बात है कि सरकार ने आखिर बीजेपी सरकार ने क्या काम किया है, सपा के सरकार में क्या काम हुआ था, ये थोड़ा सा उस पर नजर डालिए। हम किसी सरकार के पक्ष में बोलने के मूड में नहीं है, ना किसी सरकार की हम आलोचना करना चाहते हैं जी। जो भी आती है अपना अपना काम करती है, सबके अपने एजेंडे होते हैं, अपने अपने एजेंडे पर काम करती है। अच्छा। इस मामले में हम आपसे कोई कमेंट नहीं करना चाहते, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं जी। चलिए क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे भैया?
अब हम का कहेंगे के वोट देबा? हम तो भैया बीजेपी को वोट देब। बीजेपी को वोट देबा? यहाँ लोग सपा के कहा था हुए कहे था कोनो दिक्कत ना भैया जेकर जहाँ मन करो वहाँ दे अपन अपन अंगूरी कहीं दबावे। बीजेपी से सुविधा पहले हुआ कहा भैया पहले रही क्या ना पहले सपा कौन सुविधा दे अपना मेहनत कर अपन खाद चाहे बस ड्राइवर होगा चाहे टेम्पू ड्राइवर होगा अपन जागर चली तो अपन पेट भरी ना चली तो कहू सपा ना पहुँच गई बीजेपी ना पहुँच गई कांग्रेस ना पहुँच गई अपना तू ही अपन मेहनत करवा तब खाना तो के मिली जी। ये बस ड्राइवर हम महीना का 10,000-20,000 नौकरी हुई कहते ऑटो ड्राइवर नहीं भैया रिक्शा के अलावा नहीं बैठ रही महीना 35,000-40,000 कमानी यहाँ पर नौकरी करके। हाँ अब मोदी को वोट देंगे। हाँ चलिए फिलहाल अभी आप देख सकते हैं आजमगढ़ कहीं ना कहीं बस स्टैंड है और इस पर हम बातचीत किए यहाँ पे तमाम जनता है जनता को लेकर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर हम इनसे बातचीत किए और काफ़ी अच्छा भी लगा। कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगता है। फिलहाल फिर से मिलेंगे आपको किसी और दूसरे वीडियो में। जय हिंद जय भारत।